तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीज़ा सीरीज को लेके। हालांकि इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं यहाँ आई बटन डाल दूंगा, आप देख लेना। तो आज हम बात कर रहे हैं अगेन फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलीपींस आप कैसे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली मेरे काफ़ी कमेंट्स आए हैं फिलीपींस वाले, जो मैंने स्टिकर वीज़ा वाला वीडियो डाला था उस पर बहुत लोगों के कमेंट आया कि यार वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा, क्या तरीका है, कन्फ्यूज़न बहुत है ऐसे करके। और मैं रिसेंटली ही फिलीपींस होके आया हूँ, आज तारीख है 28, और मैं फिलीपींस गया था, ये देखिए 14 जून को, और आज है 28 जून। फिलीपींस से मैं चला गया था कि ताइवान ताइपे, और ये देखिए अगर देख सकते हैं आप 14 जून की मेरी एंट्री है, 18 जून की मेरी एग्जिट है। ठीक है, ये फोटो मैं डाल दूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या सीन है, कैसे आप जाओगे। तो कहानी शुरू होती है 14 जून से, हालांकि कहानी शुरू होती है 12 जून से। तो मैंने सबसे पहले वीज़ा लगवाया ताइवान का, ताइवान के दोनों वीज़ा की जो वीडियो हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत कमेंट्स हैं उसमें। ताइवान का स्टिकर वीज़ा और ताइवान का फ्री वीज़ा जिसे TAC बोलते हैं, दोनों वीज़ा के वीडियोज़ मेरे वीज़ा जो प्लेलिस्ट है वहाँ को मिल जाएंगे। तो ताइवान का वीज़ा लग गया मेरे। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया से ताइवान डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं है, और जो है बहुत कॉस्टली है। तो मेरे पास में सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा पहले से था, लेकिन मैं किसी कारणवश मैं सिंगापुर नहीं जा पाया था, मैं सीधा चाइना चला गया था। तो अब दिक्कत ये थी कि जो मैं सिंगापुर का वीज़ा है वो 20 जून को ख़त्म हो रहा था, मतलब इसकी एक्सपायरी जो थी 20 जून 2023 तक की थी, और मेरा ताइवान का वीज़ा लग के आया था 10 जून को। ठीक है, तो 10 दिन का टाइम ही था मेरे पास में। तो मैंने ऐसे प्लान किया कि भाई सिंगापुर का वीज़ा मेरे पास में है, मैं सिंगापुर जाऊँगा, एक दिन मैं सिंगापुर रहूँगा, क्योंकि तो सिंगापुर मैंने 5-6 बार दिखा हुआ है, तो देयर इज़ नथिंग टू न्यू। तो सिंगापुर मुझे एक दिन रहना था, एक दिन या 2 दिन में मैं रहता, और सिंगापुर के वीज़ा के बिहार पर ही मुझे फिलीपींस एंटर करना था। फिलीपींस मेरा 6 दिन का प्रोग्राम था जो रहने का था, और फिर फिलीपींस से आगे मुझे जाना था ताइवान ताइपे, और वापसी वहाँ से मेरी डायरेक्ट दिल्ली की जो थी। तो ये था पूरा मेरा कंप्लीट ट्रेवल रूट। तो 12 तारीख को मैं रवाना हुआ यहाँ से, 13 को सुबह मैं पहुँच गया, 12 को रात की फ्लाइट ली थी मैंने, 13 को सुबह मैं एंटर कर गया सिंगापुर। सिंगापुर का बहुत इजी कर दिया उन्होंने, 4 से 5 दिन के अंदर वीज़ा लग रहा है। ठीक है, मल्टीपल वीज़ा मिल रहा है अभी एज ऑफ नाउ, मल्टीपल वीज़ा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। तो 13 को मैं सिंगापुर पहुंचा, मैंने वो वीज़ा यूज़ किया उनका, और एक दिन मैं सिंगापुर रहा था। 13 की रात की मेरी अगेन फ्लाइट थी मनीला के लिए, फिलीपींस के लिए, और 14 को सुबह मुझे फिलीपींस पहुंचना था। अब ये इशू था कि मेरा जो सिंगापुर का वीज़ा था वो 20 तारीख को एक्सपायर हो रहा था। मुझे ये था कि यार ये वो लोग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, इतना शॉर्ट नोटिस पर मैं आ रहा हूँ और 19 या 20 को जाने का प्लान कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही थी मेरे। तो इस बार मैंने आने की रिस्क लिया क्योंकि तो मेरे पास में ऑनवर्ड वीज़ा था, मतलब आगे मैं फिलीपींस से मैं ताइवान भी जा रहा था, तो उसका मेरे पास में वीज़ा था कन्फर्म, मेरे पास में उसका टिकट था मनीला से ताइवान और ताइवान से दिल्ली का, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था। दूसरा मेरे पास में थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और सबसे जो प्लस पॉइंट था मेरे पास में फिलीपींस का स्टिकर वीज़ा था 2 साल पहले का, और उसी बीच में उसी दिन मतलब 13 तारीख को ही मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा भी लग के आ चुका था। तो अगर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं कह सकता भी मैं फिलीपींस में आ चुका हूँ।
यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ ताइवान, और मेरे पास में न्यूजीलैंड का भी 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस ये बोल के मैं निकल गया। खैर 13 को मैं जिस बताया मैं सिंगापुर पहुँचा, 14 को 13 को रात को रवाना हुआ मैं, और 14 को सुबह मैं मनीला लैंड कर गया। लैंड करते ही सबसे पहले तो सीन हुआ सिंगापुर एयरपोर्ट पे। मेरी फ्लाइट थी स्कूट एयरवेज की, मैं वहाँ पर गया। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी चला गया था चेक इन के लिए, तो लगभग काउंटर खाली था, पर 4 घंटे पहले ही मैं चला गया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो हालांकि लेडी वहाँ पे सीनियर थी, मतलब एजड थी, तो सब लोग कहते हैं कि यार वहाँ कोई जवान बंदा मत पकड़ो क्योंकि उनको पर्सनली पता नहीं होता। तो मैंने काउंटर देख रखा था कि वहाँ एक आंटी बैठी हैं, मतलब तो मे भी वो सीनियर होगी, उनको पता होगा कि ऐसा है, आप सिंगापुर इंडियन पासपोर्ट होल्डर जिनके पास सिंगापुर का वीज़ा है वो एंटर कर सकते हैं 14 डेज़ के लिए। तो मैं आंटी के पास गया, या जो मैम थी उनके पास में गया, उन्होंने बोला सिंगापुर का फिलिपींस वीज़ा मेरे पास में नहीं है, मैं सिंगापुर वीज़ा पे ट्रेवल कर रहा हूँ, वापस कब आओगे? मैं कि वापस मैं सिंगापुर नहीं आऊँगा, मेरा यहाँ से ताइवान का वीज़ा है ये देखिए, और ताइवान से मेरा बैक इंडिया का फ्लाइट है। तो बोले ओके रुको आप 5 मिनट। मैं खड़ा रहा, उसने काफ़ी देर फ़ोन मिलाया, शायद बात हुई नहीं। तो वो मेरा बाद में पासपोर्ट लेके एक चले गए सीनियर के पास में, पीछे कोई एक सीनियर लेडी और थी, उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि पीछे ये है। उसने मुझे ये पीछे अचानक से मुड़ के देखा, तो ठीक है फिर वीज़ा देखा, फिर बोला ओके जाना दो। वापस आई मेरे पास, बोला कि मैं आपका रेफरेंस के लिए ये ताइवान के वीज़ा के फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। कर लो भाई फ़ोटो क्लिक कर लो, पासपोर्ट के पास में आप जरूर निकलवा लो, कह नहीं फ़ोटो सिल जाएगा। ऐसे करके उन्होंने मुझे मनीला का बोर्डिंग पास दे दिया। इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम सिंगापुर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, मेरा लगेज जमा हो गया, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका था, ये करके मैं आराम से मनीला लैंड कर गया। 14 तारीख को मैं सुबह मनीला पहुँचा, तो वहाँ पहुँच मेरे साथ में 3 और इंडियंस भी थे जो सेम सिंगापुर के वीज़ा पे ही ट्रेवल कर रहे थे। तो असल बात वहाँ पे हुई तो वो मेरे साथ में ही हो लिए बंदे, तो हम चारों मैं और 3 और जो इंडियन बंदे थे, सरदार 2 सरदार थे और एक कोई हरियाणा का था, तो हम चारों एक ही इमिग्रेशन लाइन में खड़े हुए थे। तो इमिग्रेशन से पहले ही एक बंदा, क्योंकि फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस थे, साउथ के लोग थे, तो उससे पीछे से ही दो बंदे और आ गए, चाहे इमिग्रेशन वाले या कुछ जो सिक्योरिटी वाले होंगे। उन्होंने बोला कि जिस जिसके पास में स्टिकर वीज़ा है वो आप इस साइड में आ जाओ, और जो जो वीज़ा एग्जम्प्टेड या किसी और वीज़ा पे आप ट्रेवल कर रहे हैं वो आप इस साइड में आ जाओ। तो ये भी फर्स्ट टाइम था, ठीक है। अभी हम लोग 8-10 लोग थे जो सिंगापुर वीज़ा पे या किसी का पास यूज़ कर रहा, जो कुछ भी उनका जो सीन था वो हम लोग अलग हो लिए, और बाकी जो स्टिकर वीज़ा वाले थे उनको तो हर एक मिनट के अंदर उन्होंने पास कर दिया। हम फिर खड़े रहे, फिर जब इमिग्रेशन पूरा हो गया था जो स्टिकर वीज़ा वालों का, उसके बाद हमें बुलाया गया, उसी लाइन में हमें दोबारा बुलाया गया। तो मेरे से पहले दो और अंकल थे, वो बॉम्बे के थे, तो उनको बोला हाँ जी आपके पास किस वीज़ा पे आप एंट्री चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला सिंगापुर वीज़ा पे हम एंट्री चाह रहे हैं। वीज़ा दिखा, होटल बुकिंग मांगी, रिटर्न टिकट भी मांगी, क्यों आए हो, क्या है, ये है, वो है, जो कॉमन इनके क्वेश्चंस होते हैं। और अंकल थोड़े से, दोनों अंकल एजेंट थे, तो उनको अभी 5-7 मिनट में उन्होंने उनको एंट्री दे दी। ऐसे करते 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 4th-5th नंबर मेरा था, मेरे को बुलाया उन्होंने, हाँ जी आप सिंगापुर वीज़ा पे? तो बोले कि सारे सिंगापुर वीज़ा पे आओगे क्या? मतलब ये प्रोविज़न है आपका, तो आए हम लोग। तो बोला सिंगापुर वीज़ा देखा, तो मुझे था मैं यार ये ना देखे कि यार 20 तारीख एक्सपायर हो रहा है, यार आप 14 को एंट्री कर रहे हो। तो बोला अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे? मैं ताइवान जाऊँगा जी, ताइवान का वीज़ा उनके पीछे लगा हुआ है, स्टिकर वीज़ा मेरे पास में। तो उसने स्टिकर वीज़ा देखा और बोला कि रिटर्न टिकट वो बन ताइपे से मेरी दिल्ली की बनी हुई थी, वो दिखा दी मैंने, और मेरे से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि होटल बुकिंग वगैरह है
मैं कहा हाँ जी है। कहा ट्रैवल आइटिनरी वगैरह? मैं कहा देखो सर, मैं तो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, और ये गूगल जिंदाबाद है, तो कोई मैं वैसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता सर। तो हंसने लग गया, क्या गुड आंसर। क्या क्या उसने मुझे स्टैम्प मारा, और मैं यहाँ डाल दूंगा दोनों स्टैम्प्स, आप देख सकते हैं। स्टैम्प मारा और बोला वेलकम करके मैं आ गया। मैंने इमिग्रेशन वाला गेट क्रॉस किया और मैं वहीं खड़ा रहा। मैं उन तीनों बंदों का वेट कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था इनके साथ क्या हो रहा है। उसमें से एक बंदा जो हरियाणा का था, दलबीर सिंह या दलजीत सिंह कुछ नाम था उसका, तो वो एक्चुअली और कॉन्फिडेंट था उसमें अपने आप को लेके। उसमें हालांकि तीन जगह की ट्रेवल एजेंसी में देखा था मैंने, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर आया हुआ था वो। इसके बाद वो सीधा फिलीपींस आया था। उसने बोला हाँ जी आप क्या सिंगापुर वीज़ा पे? उसका पासपोर्ट देखा तो तीन कंट्री हो, दो कंट्री पहले से विजिट था। तो बोला आप यहाँ किससे क्या मतलब मिल क्या करोगे यहाँ पे, क्या घूमने आया हूँ जी, क्या कौन कौन है आपका? क्या हाँ जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी यहाँ पे। बस भाई साहब उसने गर्लफ्रेंड बोला नहीं है, उन्होंने उसका पासपोर्ट रख लिया। क्या ठीक है आप साइड में आ जाओ। फिर इसके बाद जो दूसरे दो जो दूसरे थे मेरे साथ में, उनको भी नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह पूछे, लेकिन उनको अलाउ कर दिया था। कहाँ जाओगे, क्या ट्रेवल प्लान है, दो तीन जगह के नाम पूछे उन्होंने, लेकिन मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, पैसे वैसे भी नहीं पूछे। मेन आप कहाँ जाओगे, कोई नोन है आपका यहाँ पे, आपका रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, आप किस वीज़ा पे आप यहाँ आए हैं, आपका इंटेंशन क्या है, और कुछ एक दो दिन आपको अब पूछते कहाँ जाओगे क्या जाओगे। इसके अलावा ना उन्होंने कोई ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा, ना कुछ उन्होंने कोविड का सर्टिफिकेट या कुछ वैक्सीन सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा। इवन हम लोग जो हेल्थ वन पास है जो फिलीपींस का, वो भी लेके गए थे, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। वीज़ा देखा, ट्रेवल हिस्ट्री थी ऑलरेडी, वेलकम कर दिया, उन दोनों को भी आना दिया। फिर हम लोग निकल आए थे, उसका मुझे डिलीवरी का नहीं पता क्या हुआ, हम कंट्री मिली कि नहीं मिली। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इंडियंस के लिए हालांकि बहुत ईजी है कि आप सिंगापुर का वीज़ा लेके फिलीपींस घो सकते हो, बशर्ते आप कॉन्फिडेंट हो और आपके पास में थोड़ी बहुत ट्रेवल हिस्ट्री हो। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अच्छा एक चीज़ और, कई यूट्यूबर्स बोलते हैं सर $25 की फ़ीस है, पैसा आपको एक रुपया देना नहीं है, ये टोटली फ्री है। मैं हमेशा जो दो बंदे और थे, हमने एक सिंगल पैनी वहाँ पे उनको फ़ीस नहीं दी थी, कोई $25 वगैरह हमने कुछ नहीं पे किया, उन्होंने ना हमसे मांगा ना हमने पे किया। उसने सर डॉक्यूमेंट देखे, ठप्पा मारा और वेलकम बोल दिया, ठीक है। तो कोई फीस नहीं है, वीज़ा ना अराइवल आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट 14 डेज का मिलेगा। अब उन्होंने डेट देखी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे सीधा 14 डेज का वो दिया, लेकिन वो आके एक्सटेंड में नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे 14 डेज का मिला है वो, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो देखो अब आप जाओ, आप कॉन्फिडेंट होके जाओ, आपके पास में ऑब्वियसली सिंगापुर का मल्टीपल वीज़ा, ये जाना था ना, सिंगापुर का मल्टीपल वीज़ा हो, सिंगल एंट्री वीज़ा ना हो, सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा हो। अब या इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यूज्ड हो अनयूज्ड हो, लेकिन तो मेरी पर्सनल आपको राय ये है कि आप यहाँ से, क्योंकि देखो डायरेक्ट फिलीपींस की फ़्लाइट कोई है नहीं, है ना, तो इससे अच्छा है आप पहले एक बार सिंगापुर चल जाओ, यहाँ से सिंगापुर 2 या 3 दिन रहो आप, ठीक है ना, आप उसको एक्सप्लोर करो अच्छे से। और सिंगापुर से जो मनीला की टिकट भी सस्ती है, 4,000-5,000 में आपको आराम से मिल जाएगी, तो आप उससे आप मनीला आ जाओ, ठीक है, उससे तो आपको टूरिस्ट बन जाएगी, एक आपको इंटेंशन जगह, मतलब ठीक है बंदा भी घूमता हुआ प्रॉपर वे में आया है, ऐसा नहीं है लोग जाने वाले लोग सीधा भी जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये रूट फॉलो किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई। मनीला पहुंच गए आप, तो मनीला के अंदर आपकी रिटर्न जो कन्फर्म रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग अपने पास रखी है, कुछ आप कैश अपने पास रखी है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे मेरे से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, तो मैं आपको कहता नहीं अब ये रखो वो रखो, कोई वीज़ा फीस करके भी कुछ है नहीं, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं लिया मेरे रखे, ठीक है। और सेम जब मैं वापस फिलीपींस से मुझे ताइपे जाना था, तब इमिग्रेशन में मैं जब गया तो उन्होंने पूछा कौन से वीज़ा पर आपने ट्रैवल किया, कौन से वीज़ा पर आपने एंट्री ली थी, मैं बोला सिंगापुर वीज़ा पे, तो बोला शो मी, उन्होंने देखा तो मुझे फुल डाउट था, मैं यार ये ना बोले 20 को है, हालांकि मैं 19th को रवाना हो गया था वहाँ से, लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कुछ बस मेरे वीज़ा का जो नंबर है वो 2-3 जगह एंटर किया था और मुझे आउट कर दिया था। तो भाई मेरे लिए तो देखो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था कि मतलब बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे
और 5 मिनट के अंदर मुझे उन्होंने अलाउ कर दिया था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर साथ में जो दो बंदे थे वो उनसे भी ठीक है, 2-4 मिनट क्वेश्चन पूछे नॉर्मल और रवाना कर दिया। और वो दलबीर सिंह जिसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका हमें पता नहीं कि भैया उसको एंट्री मिली या उसको रिपोर्ट कर दिया या कितने बार एंट्री मिली, तो उसका आइडिया नहीं है। तो अब आपके लिए बोनस टिप आपकी यहाँ यह है, अगर आप सिंगापुर वीज़ा पे फिलीपींस एंट्री करते हैं तो भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है 50 होंगी आपकी, लेकिन इमिग्रेशन आपको ये बोलना नहीं सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा यहाँ कोई भी नोन नहीं है, ठीक है ना, मैं सिंपल होटल में या हॉस्टल में या जो आपका आइटनरी है आप उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि भाई मैं होटल जाऊँगा हॉस्टल जाऊँगा, 2 दिन मनीला रुकूँगा, 2 दिन मैं सिबू रुकूँगा, 2 दिन मुझे पुर्तो प्रिंसेसा जाना है, पलावन जाना है, जो आपका प्लान है आप जस्ट उस प्लान पे स्टिक रहिए कि नहीं मुझे तो ये प्लान सब फॉलो करना है, ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो ट्रैवलर हूँ, टूरिस्ट हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा कोई नोन नहीं है, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपका पासपोर्ट फ्रेश है, फ्रेश पासपोर्ट पर आप सिंगापुर वीज़ा को लेकर अगर आप फिलीपींस एंट्री करना चाह रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको वो डिपोर्ट कर देंगे या आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। और गलती से अगर आपने ये बोल दिया जी मेरी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे, गर्लफ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन नंबर है, मैं घर जाकर रुकूँगा फलाना टिमकाना, तो आप डिपोर्ट ही समझो अपने आप को, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक हैं अभी, ठीक है ना। फिलिपिनो से शादी करना आज की डेट में बहुत टफ है, मतलब नहीं कर पा रहे लोग बात, तो इसीलिए दिमाग में क्लियर रखो कि सिर्फ घूमने जा रहा हूँ उतना ही मतलब रखो, ठीक है। तो ये था भाई पूरा फिलीपींस का वीज़ा ऑन अराइवल, मेरा पूरा जर्नी कैसा गया। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मेरे को पिंग कर देना, वीडियो शेयर लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।